अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सालिया डिज़ाइनर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमारे व्यूवर्स ने फरमाइश की थी कि हमें छोटे चाकू वाली शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग सिखाई जाए, और कुछ हमारे व्यूवर्स की फरमाइश थी कि हमें दामन और चाकू पर ब्रांडेड शर्ट्स की तरह पट्टियाँ लगाना सिखाई जाएँ। तो आज हम इंशाल्लाह अपने व्यूवर्स की डिमांड को पूरा करते हुए ब्रांडेड शर्ट की तरह कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ये शर्ट मैं लॉन फैब्रिक पर 10 से 12 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। आप इस मेथड को फॉलो करते हुए किसी भी एज के लिए बना सकते हैं। ये पिंक कपड़ा मैंने 2 गज़ लिया है और आधा गज़ लिया है डिज़ाइनिंग के लिए, जो नीचे पट्टियाँ भी लगाएंगे और गले पर डिज़ाइनिंग भी करेंगे। कटिंग से पहले मैं आपको इसका साइज़ बता देती हूँ। ये शर्ट की लेंथ हम 34 इंच पर तैयार करेंगे। तीरे का साइज़ हम 12.5 इंच पर रखेंगे। चेस्ट हम 16 इंच पर तैयार करेंगे। दामन हम 22 इंच पर तैयार करेंगे। बाजू हम 18 इंच पर तैयार करेंगे। अब हम कटिंग शुरू करते हैं। पहले हम इस कपड़े को इस तरह फोल्ड करते हुए इसकी उरेव निकालेंगे। शर्ट की लेंथ हम 34 इंच तैयार करेंगे, तो सिलाई और कटिंग का मार्जिन रखते हुए हम 36 इंच पर इस कपड़े को अलग कर लेंगे। इस किनारे वाली साइड को निकालते हुए अब हम घेर का साइज करेंगे। घेर हम 22 इंच पर तैयार करेंगे और चाकू पर हमने पट्टियाँ लगानी हैं, तो 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए हम यहाँ से कट कर लेंगे और इस तरह लंबाई के रुख पर फ्रंट और बैक को निकाल लेंगे। अब हम इसको फोल्ड करते हुए प्रेस कर लेंगे। ये कपड़े को इस तरह फोल्ड करते हुए फ्रंट और बैक को हम इस तरह रखेंगे और यहाँ से तीरे का साइज करते हुए हम निशान लगाएंगे। तीरे का साइज हमने 12.5 इंच तैयार करना है। ये कपड़ा हमारा फोल्डिंग में है, ये देखें। इंची टेप को इस तरह रखते हुए हम 6.25 इंच पर निशान लगाएंगे और सिलाई का मार्जिन रखते हुए हम 7.25 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। ये शोल्डर पर हमने 7.25 इंच की तिरछी कटिंग करनी होती है, तो उसका मार्जिन रखते हुए हम इंची टेप को इस तरह रखेंगे और 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और अब हम इस तरह निशान लगा लेंगे और ये चेस्ट के साइज के लिए हम निशान लगाएंगे। चेस्ट हमने 16 इंच तैयार करनी है, तो इंची टेप को इस तरह रखते हुए हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। आर्म होल की कटिंग के लिए हम यहाँ गुलाई देंगे और यहाँ 7.25 इंच की तिरछी कटिंग के लिए निशान लगा लेंगे। ये शर्ट हमने स्ट्रेट रखनी है, तो यहाँ मैं आपको हिप का साइज बताती चलूँ। अगर नॉर्मल शर्ट में हिप का साइज 17 इंच है, तो यहाँ छोटे चाकों वाली शर्ट के लिए हमें 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है, ताकि ये हमारी हिप वाली जगह से फंसे ना। और आप अपनी जिसामत के हिसाब से इससे ज़्यादा खुला रखना चाहें तो भी रख सकते हैं। इंची टेप को यहाँ रखते हुए हम चाक के लिए 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखें, यहाँ से सिलाई का मार्जिन रखते हुए इंची टेप को रखेंगे और 12 इंच पर हम हिप के साइज के लिए निशान लगाएंगे। ये देखें, इंची टेप को इस तरह रखते हुए नॉर्मल शर्ट की हिप का साइज हमारा 17 इंच है, तो यहाँ हम थोड़ा सा खुला रखते हुए 10 इंच पर निशान लगाएंगे सिलाई के लिए। अब हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब हम कटिंग करेंगे। यहां से मार्जिन रखते हुए हम कट करेंगे। ये चाक के लिए हम यहां से कट लगा लेंगे। ये सिलाई हमने 22 इंच पर खत्म करनी है और यहां चेस्ट के लिए भी हम कट का निशान लगा लेंगे और फ्रंट के पार्ट को अलग करते हुए अब हम फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करेंगे। यहाँ से 1 इंच की दूरी पर इसके बाद हम गले की गहराई के लिए इंची टेप को इस तरह रखेंगे और 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ 4 इंच पर हम एक और निशान लगाएंगे।
और गले की चौड़ाई के लिए इंची टेप को इस तरह रखते हुए हम 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से राउंड शेप देंगे। अब इंची टेप को इस रुख पे रखते हुए हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से वी शेप देते हुए हम थोड़ा राउंड में लेंगे। इंची टेप को यहाँ रखते हुए हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे और अब हम गले की कटिंग करेंगे। यहाँ से राउंड में लेना है हल्का सा। यहाँ पर हमने कट का निशान लगाया है जहाँ हमारी छोटी पट्टी लगेगी। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजुओं के लिए कपड़े को हमने इस तरह से बिछा लिया है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। ये बाजू की चौड़ाई हमने 8 इंच लेनी है। 7.5 हमने आर्म होल की कटिंग की थी तो बाजू की चौड़ाई हम 8 इंच पर सिलाई का मार्जिन रखते हुए लेंगे। इंची टेप को इस तरह रखते हुए 3.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। अब हम यहां से निशान लगाएंगे और कटिंग करेंगे। यहां पर कट का निशान लगाएंगे। ये बाजू का साइज हमने 18 इंच रखना है और मोरी वाली साइड से हमने कपड़े को इस तरह फोल्ड करते हुए यहां पाइपिंग करनी है। ये फोल्डिंग और सिलाई का मार्जिन रखते हुए हमने इसको 20 इंच पर कट कर लिया है। ये 5.5 इंच पर हम ये बाजू को बंद करेंगे तो यहाँ निशान लगाएंगे। ये सिलाई का मार्जिन रखते हुए हम इस तरह कट कर लेंगे। अब हम बाजू को इस तरह सीधा करेंगे और यहाँ फ्रंट आर्म होल का निशान लगाते हुए कटिंग करेंगे। ये देखें, यहाँ से शुरू करते हुए ये घेर और चाकों पर लगाने के लिए 2.5 इंच की चौड़ी हमने स्ट्रिप्स की कटिंग की है और ये 0.5 इंच फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ हमने प्रेस कर लिया है। और गले के लिए हमने उरेम में स्ट्रिप की कटिंग की है, इसकी चौड़ाई हमने 1.5 इंच रखी है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। ये देखें, खींचते हुए इस तरह फोल्ड करेंगे। इसकी दूसरी साइड पर भी हम ऐसे ही फोल्ड करेंगे। ये गले से इस निशान का साइज करते हुए हमने ये चिप्स की स्ट्रिप काटी है, इसका साइज हमने 0.25 इंच रखा है। और ऐसे ही ये छोटी स्ट्रिप काटी है जो हमारी दूसरी साइड पे लगेगी। यहाँ इस निशान का साइज करते हुए यहाँ से भी मार्जिन रखते हुए हम यहाँ स्ट्रिप को रखेंगे और इधर से भी 0.5 इंच मार्जिन रखते हुए हम इसको चिपकाएंगे। अब हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। अब फिर से फोल्ड करेंगे। ये स्ट्रिप हमारी यहाँ पर है। सिलाई का मार्जिन रखते हुए हम यहाँ से कट कर लेंगे। इसी तरह ये दूसरी स्ट्रिप को भी हमने तैयार कर लिया है। ये कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम ये छोटी स्ट्रिप लगाएंगे। ये राइट साइड पे लगानी है। ये देखें, ऐसे ही हमने सिलाई लगानी है। ये मैं निशान लगा के दिखा रही हूँ। यहाँ से गुलाई शेप में देते हुए हम यहाँ सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये स्ट्रिप को रॉन्ग साइड पे रखते हुए हम इस तरह सिलाई लगाएंगे। जहाँ हमने ये कट लगाया था इधर हमने सिलाई रोक लेनी है और यहाँ सिलाई को पक्का कर लेना है। ये देखें, अब हम इसको इस तरह मोड़ेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जहाँ हमने पहली सिलाई रोकी थी वहीं आकर ये सिलाई भी रोकनी है। इसके किनारे पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही गुलाई की शेप देते हुए हम ये बड़ी स्ट्रिप लगाएंगे।
यहाँ से हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे, हल्का सा रखेंगे फोल्डिंग के लिए और स्ट्रिप को इस तरह फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। ये सेंटर में हमारा निशान लगा हुआ है। अब हम इस स्ट्रिप को इस तरह सेंटर में रखते हुए यहाँ फिक्स करेंगे। अब हम गले को इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ से इन स्ट्रिप्स को बराबर कर लेंगे। ये बैक के पार्ट को इस तरह हम फोल्ड करेंगे और फ्रंट के पार्ट को ऊपर रखते हुए हम बैक के गले की कटिंग करेंगे। ये सिलाई का मार्जर रखते हुए कटिंग के लिए हम यहाँ निशान लगाएंगे और गहराई के लिए हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये फ्रंट को ऊपर रखते हुए हम ये शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम एक साइड से लगाएंगे और दूसरे हिस्से से हम ये पाइपिंग पट्टी लगाएंगे। अब हम उरेब वाली स्ट्रिप को इस तरह रखेंगे और फोल्ड करते हुए पाइपिंग लगाएंगे। ये देखें, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग लग चुकी है। अब हम इन दोनों शोल्डर को आपस में ज्वाइंट करेंगे। ये अब हम चेस्ट का निशान लगाते हुए साइड की सिलाई लगाएंगे। ये देखें, सेंटर में 8 इंच को रखते हुए 16 इंच पर हम निशान लगाएंगे। अब हम इन निशानों के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। व्यूअर्स, ये हमने शर्ट की साइड की सिलाई लगा ली है। अब घेर और चाकों पर पट्टियाँ लगानी हैं। ये देखें, इधर से जहाँ हमने सिलाई ख़त्म की है इस तरह हम फोल्ड करेंगे और इस्त्री के साथ प्रेस कर लेंगे। अब चाहें तो घेर को भी ऐसे ही फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ अंदाजे से लगाऊंगी। और ऐसे ही दूसरे चाकों पर भी आपने इस्त्री की मदद से निशान लगाना है। ये देखें, ये निशान लग चुका है। अब हम इसी निशान के ऊपर पट्टियाँ लगाएंगे। ये शर्ट की सीधी साइड है और इस स्ट्रिप को जहाँ से हमने फोल्ड किया था हम इस तरह रखेंगे और यहाँ 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई करेंगे। ऐसे ही दूसरे घेर पर भी ये स्ट्रिप लगाएंगे। अब हम चाक के लिए स्ट्रिप को इस तरह रखेंगे जहाँ हमने निशान लगाया था उसी निशान के ऊपर। ये देखें, ये 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे और यहाँ बिल्कुल सिलाई के करीब हम इसको अटैच कर लेंगे। इस दूसरी स्ट्रिप को हम इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। ये देखें, इस तरह से यहाँ सिलाई लगेगी। अब ऐसे ही दूसरी साइड पर भी हम ये स्ट्रिप्स लगा लेंगे। ये हमने चाकों की दूसरी साइड पर भी ये स्ट्रिप्स लगाते हुए, ये देखें, आयरन की मदद से इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। यहाँ से कोना बनाते हुए इस तरह इस स्ट्रिप को हम फोल्ड करेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। सुई को अंदर ठहराते हुए अब हम इस रुख पे मोड़ेंगे। ये देखें, ये घेर और दामन हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ कोने से हम तुरपाई करते हुए इसको फिक्स कर लेंगे। ये देखें, अब हम बाजू स्टिच करते हैं। ये देखें, बाजू के जोड़ लगाते हुए इस कपड़े को हमने इस तरह फोल्ड कर लिया है
और इस स्ट्रिप को भी हमने दोनों तरफ से फोल्ड किया है। अब हम इस स्ट्रिप को यहाँ रखेंगे और एक पाँव का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखें, ये सिलाई हमारी यहाँ आ रही है। ये देखें, यहाँ से सिलाई लगाते हुए ये हमने पाइपिंग कर ली है। इसको इस तरह पलट लिया है और नीचे इसकी स्ट्रिप को भी फोल्ड कर लिया है। ऊपर के पार्ट को इस तरह फोल्ड करते हुए ये एक इंच की चौड़ी स्ट्रिप को हमने फोल्ड किया है। यहाँ रखेंगे और बारीक पाइपिंग निकालेंगे। ऐसे ही अब हम दूसरा बाजू स्टिच करेंगे। ये पाइपिंग हमने लगा ली है दोनों बाजुओं की। अब हम इसे स्टिच करते हुए कमीज़ के साथ अटैच करेंगे। सिलाई को यहाँ रोकते हुए ये देखें, बाजू की फ्रंट साइड पर हमने एक्स्ट्रा कटिंग की थी और ऐसे ही शर्ट पर भी हमारी एक्स्ट्रा कटिंग थी। इन दोनों पार्ट को ये देखें इस तरह सीधा रखते हुए हम यहाँ से साइज करेंगे और अपनी सिलाई यहाँ ख़त्म कर देंगे। अब ये शोल्डर का सेंटर और बाजू में जहाँ हमने कट लगाया था, इन दोनों सेंटर को आपस में टच करते हुए हम राउंड में सिलाई लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों बाजू को स्टिच करते हुए हमने शर्ट को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ गले पर हमने ये बीट्स लगाए हैं और तुरपाई करते हुए हमने यहाँ कोनों को फोल्ड कर लिया है। आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।